तो देखो जी, जितनी भी दादी यहाँ बैठी है सब अंकित से डिमांड कर रही है कि हमारे लड़के लिए नेपाल से ढूंढ लड़की है। ये बोल रहे तू भी लाना, मेरा नंबर तो पका है। चलो भाई, सोनी भी तैयार हो गए। हाँ जी सोनी, चले अब। सोनी तो पूरा सोना बन गया अभी। तो देखिए जी, बहुत ज्यादा समय हो गया और मेरी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई, और बाकी अभी यहाँ भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। हाँ सोनी, सब आराम हो रखी है तब तक जब तक वीडियो अपलोड नहीं हुई। बाकी यहाँ का एक फैमिली मेंबर ये है, दूसरों साथ फोटो भी खिंचवाएंगे और क्या करेंगे। और नहीं कुछ नसीब में भाई, फोटो खिंचाना है बस। देखो भाई, ये मकान कभी पहाड़ों की शान हुआ करते थे। बताओ, बचपन में लोग यहाँ खेलते होंगे, ऐसी रेस मारते होंगे यहाँ से। चलो भाई, कुत्तों को फेस करने की आदत तो मुझे बहुत पहले से है। अब देखिए जी, इस बेचारे की भी गलती नहीं, ये भी अपना फर्ज निभा रहा है। ओ भाई साहब, अंकित भाई ने तो बहुत सारे चेस्टनट इकट्ठे करके ला दे भाई। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। नए ब्लॉग की शुरुआत आज जो हो रही है, एक यूनिक जगह से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूं आपका पौड़ी गढ़वाल के इस खूबसूरत से गांव तिमल खाल से। तो देखिए जी, बहुत ज्यादा समय हो गया और मेरी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई। तो अभी हम आ रखे हैं अंकित भाई की गौशाला की तरफ। यहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क अच्छा चलता है। तो अंकित भाई अभी तक कहीं जा रहे थे, तो अभी तक तो भाई साहब मैं एक घंटे से लगा हूँ यहाँ वीडियो अपलोड करने पे, लेकिन 100 MB से ऊपर डाउनलोड हुई नहीं। बाकी अभी अंकित भाई आए तो उन्होंने अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया मेरे मोबाइल पे, क्योंकि इनका VI का सिम, तो VI यहाँ काफी अच्छा चलता है। क्यों अच्छा चलना है तो जल्दी हो जाएगा। और जियो की बात ही क्या करूं, जियो की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, खासकर मेरे गांव में। मतलब जियो ने तो मेरे मोबाइल से धार लगा रखी भाई, फिर भी क्या करें, लत पड़ी हुई तो करना ही पड़ता है। और बाकी अभी यहां भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, हम ठीक नीचे सड़क पे जा रहे हैं तो वहां वीडियो अपलोड करते हैं। हां जी सोनी, सब आराम हो रखे हुए तब तक जब तक वीडियो अपलोड नहीं हुई। अच्छा बढ़िया तनसाग, सही है। कैसे चल रहा काम धाम? बस देख रहे, भाग रहे इधर उधर। तो देखो भाई, तिमल खाल जो है काफी खूबसूरत गांव है, लेकिन नेटवर्किंग प्रॉब्लम यहाँ भी है। और ठीक तिमल खाल के नीचे ये जो मेन रोड है, वहाँ पे देखो हमने अपने धनों को खड़ा कर रखा है। ठीक वहीं पे एक ही दुकान है सिर्फ, बाकी आपको यहाँ दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं दिखाई देगी। तो हम सड़क के रास्ते चल भी रहे हैं और बाकी मोबाइल की स्पीड भी चेक कर रहे हैं बार बार। हम भी शहरी ब्लॉगर होते भाई साहब, कमरे के अंदर चल रहा वाईफाई। हम लोगों को तो जाना पड़ता दूर दूर तक भाई। क्यों? पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर ना BSNL 4G लग रहा है ना, 4G नहीं 5G टावर लग रहे हैं शायद BSNL। अच्छा 5G आ गया ना BSNL। एक अपने यहाँ पे लग रहा है, एक आगे लग चुका है। अच्छा, चालू दोनों एक साथ ही होंगे तब इस एरिया में कनेक्टिविटी, चाहे BSNL ही, लेकिन इस इंटरनेट से तो मेरे हिसाब से अच्छा ही चलेगा। अच्छा ही चलेगा, सही बात है। बाकी मेरे इलाके में तो भगवान की दया, मेरे जन्म में तो लगने वाला नहीं। हाँ कोई अगली पीढ़ी आएगी मेरी तो तब लग सकता है शायद। कोई धाकड़ पीढ़ी आएगी जब अपनी पीढ़ी से कोई विधायक हो नहीं। सही बात है भाई, क्योंकि मेरा तो चिल्ला के गला बैठ गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने सोचा बेरोजगार हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, इधर उधर जाता हूँ अपलोड करने बात करता हूँ। तो चलो जो, इस धार के पीछे है तिमल खाल गाँव, बाकी हम अभी इस वाली धार पे आगे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अब यहाँ पे लगाते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर भी भाई साहब नेट स्पीड नहीं आ रहे, थोड़ा और आगे चलना है वाला भी। ए प्रभु, क्या सोच के इस दुनिया में भेजा, नसीब में ठोकर खाना ही होगा क्या? इधर भी नेटवर्क दिक्कत भाई साहब, ये जो नेटवर्क दिक्कत है ना हर जगह मेरे साथ चलती रहती है भाई। चलो आगे तक चलते हैं। ठीक वहाँ जो हमने बैग है उसको पत्थर के सहारे अटका रखा है और उसमें मोबाइल रखा हुआ है और उसी से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रखा, तो तब जाकर मेरे मोबाइल पे भी 1.5 MB की स्पीड आ रही है। और बाकी भाई साहब अभी तो 5 GB अपलोड होना है, अभी तो 750 MB हुई अपलोड। चलो फटाफट वीडियो अपलोड करते फिर निकलते हैं यार घर के लिए। तो चले जी, मोबाइल तो हमने ठीक सामने रोड के किनारे जो पत्थर है वहाँ पे बैग अटका रखा है, उसके अंदर रखा हुआ मोबाइल। और बाकी ठीक तिमल खाल का एक ये घर देखो सामने पे, ये वाला घर भी प्लाइन की मार झेल रहा है। घर काफी खूबसूरत है यहाँ, लेकिन क्या करे दुर्भाग्य उस घर में कोई है नहीं, घर की रौनक सारी खत्म हो रखी है। तो चलो मैं फाइनली आधा एक घंटा यहाँ पर बैठने के बाद वीडियो भी अपलोड हो गई है, बाकी अब घर के लिए निकलते हैं। वो तो शुक्र करो अंकित भाई का VI का सिम है तब जाके अपलोड हुई। अगर मैं जियो के भरोसे रहता तो जैसे कि हमेशा जियो रुलाता मेरे को वैसे रुला रहा था। क्यों? आज का चैलेंज टूट जाता मेरा डेली ब्लॉगिंग का। तो ठीक सामने है मात्र शक्ति, जो कि भाई साहब गांव की शान है यहाँ। दरअसल अपने गांव में सारी मेरी दादियां ही हैं। अच्छा दादी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही बात। यहाँ जितनी भी मात्र शक्ति बैठी है सब अंकित की दादी लगती है, तो भाई हमारी भी दादी हुई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहाँ इतनी तेजी से इस गांव में प्लान हो रखा है, अगर दो चार मात्र शक्ति भी दिख रही तो भाई साहब अच्छा लग रहा है। रिश्ते में मेरे सब दादी लगती है। तो देखो जी, जितनी भी दादी यहाँ बैठी है सब अंकित से डिमांड कर रही है कि हमारे लड़के लिए नेपाल से ढूंढ लड़की है। मैं तो पक्का लाऊंगा अब। ये बोल रहे तू भी लाना, मेरे का मेरा नंबर तो पक्का है। दादी के दो लड़के हो गए, दोनों के लिए चाहिए। दादी के दो है उनके लिए भी चाहिए। ओहो, एक है तो उनके लिए भी चाहिए। तो शादी के बाद मतलब तुम्हारे पास ठीक ठाक बिजनेस है, शादी के बाद सीधे करना मैरिज जीरो खोल लो। सही बात है सही बात है। चलो ठीक है, अभी थोड़ा नाश्ता करता। ठीक है
चलो ठीक दीदी चलो भाई, काफी अच्छा लगता है। इनके गांव में जितनी माता शक्ति है सब खुश मिजाज वाले हैं क्यों, और सबको डिमांड कर रहा भाई कि हमारी लड़की ले, लड़की ढूंढो भी नेपाल से स्पेशल। अब देखो तुम ये देखो, ठीक सामने पे दादी है तो मूली का साग बना रही है, और ये है घर्रे मूली। एक टाइम पर ना इतना बड़ा मूला होता था हमारे यहाँ। अच्छा, ये सब कलयुग का परिणाम है। बताओ, पहले वाले मूली खूब मोटी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मूली भी सूखने लग गई है। अब दरअसल मूली को पता चल गया ना कि गांव से पलायन हो गया, अब हम भी क्या करें यहाँ। हो सकता है मूली भी आने वाले टाइम में नीचे मकान बना ले अपना। ठीक, यहाँ पे देखो पहाड़ी किचन। अच्छा, ठीक सामने पे एक किचन, एक टेम्पररी यहाँ पे इसलिए बना रखा है कि हर कोई चौराहे तो आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, अच्छा नहीं लगता है किसी की नजर पड़े खाने पे। हाँ हाँ, इसलिए ढक रखा है चारों तरफ से। टेम्पररी सही बात है। गर्मियों का टाइम है, अब जैसे बारिश सर्दी होना शुरू हो जाएगी फिर वो बनाना बंद कर देंगे इसमें। और ठीक सामने पे उस धार पे जो गांव दिखाई दे रहा है ये है गड़ी गांव, और सामने जो गड़ी गांव है उनके जो सामने पे जो धार है ये गड़ी गांव वालों के ही मंदिर है। तो चलो फाइनली भाई साहब अंकित भाई के घर आ गए, यानी कि दूसरी भाषा में बोला जाए तो बिपना के ससुराल में फिर से आगे वीडियो अपलोड करके। कुछ महीने बाद आपको इसी घर में रौनक दिखाई देगी और मैं नाचता हुआ नजर आऊंगा। पहले ही फिक्स हो गया कि कहां पे नाचूंगा मैं। हमने सिलेक्ट कर लिया अपने लिए जमीन। कहां है भाई बता दो आप। ठीक, यहां पे अभी सब्जियां बो रखी है, लेकिन कुछ महीने बाद ये सब्जियां पूरी हटा देंगे क्योंकि सब्जियां तो हो जाएगी सूख जाएंगे, फिर यहां टेंट लगेगा, मस्त करके नाचेंगे भाई। कोशिश करेंगे अंकित भाई को नेपाली गाने में न जाने की। सही है। और ठीक, यहाँ पे सोनिका भी हमारा इंतजार कर रही थी, और ठीक है ना, तुमने तो खा लिया होगा नी। हाँ बस सही है फिर तो। अंकित भाई के घर के ठीक बगल में एक सगवाड़ा है, तो यहाँ देखो भाई कीवी की बेल और कीवी कितने प्यारे लगे हुए इसमें। तो चलो भाई, गर्मा गर्म नाश्ता बनके भी तैयार है। हालांकि इस टाइम तो खाने का हो गया, लेकिन क्या करें, वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया, नाश्ता भचकाते अभी। और फिर से वही डाइनिंग टेबल आ रहा है, वाह यहाँ तो ब्याह भी आनंद आ रहा है। और बाकी आज के नाश्ते में है भिंडी की मस्त सब्जी और चटनी और गर्मा गर्म रोटी, और बाकी आंटी जी ला रहे हैं खाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा कैमरा साइज शर्माते थोड़ा ना। अब होते हैं पहाड़ों में मात्र शक्ति ऐसी होती है, मेरी माँ तो अब खुल गई बांध लेके आज तो मेरे को आवाज देती की आ जा बाहर, मैं आ गया। उनको आदत पड़ गया। अब चलिए जी, गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लिया है, और बारिश की भी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होने लग गई है, और हवा देखो कितनी ज्यादा चल रही है। अभी जो यहाँ सोनी आ रखी है उसको छोड़े हम जाएंगे यहाँ से किरकू तक, और बाकी यहाँ का एक फैमिली मेंबर ये है किशु। ए किशु, क्या हाल है? ठीक वाह। और अंकित भाई की तैयारी भी हो गई है। हाँ जी चले, अब चलो फिर, अब बारिश है। सही बात है। चलो भाई, सोनी भी तैयार हो गए। हाँ जी सोनी चले, अब सोनी तो पूरा सोना बन गया अभी, और आंटी जी के साथ एक फोटो भी खींच रही है, यानी कि थंबनेल है। चलो हमारे साथ भी खींची जा रही है भाई, आओ भाग्य हमारा। खींचो भाई खींचो, सेलिब्रिटी मीट अप विद सेलिब्रिटी है। ऐसे दूसरों के साथ फोटो भी खिंचवाएंगे और क्या करेंगे। और नहीं कुछ नसीब में भाई, फोटो खिंचाना है बस। इसीलिए लगाव भी ज्यादा हो गया है, होता ही है। और मुझे अपने जैसे लोग पता नहीं क्यों मिल जाते हैं हर जगह, और जाने के टाइम पे थोड़ा वैसा हो रहा है ना, मैं जब से मैं तैयार हूँ मुझे ऐसा मतलब चेहरे में। चलो काफी इमोशनल बातें भी हो गई, अब चलते हैं सीधे चुपचाप। चलो भाई सोनी केसी से मिल रही, मिल ले भाई मिले। आ बहुत हो गया बस, नहीं तो वो भी इमोशनल हो जाएगी। चलो ठीक है। ए बाबा केसी भी है। चलो भाई सोनी को छोड़ते हैं किरकू तक। मेरे ख्याल से किरकू की दूरी यहाँ से 14-15 किलोमीटर है। अब जो मैं आया थोड़ा बहुत याद है मेरे को, क्योंकि हमारे अंकित भाई मुझे 15-15 मिनट बोल के बुला रहे थे। देखो गांव काफी खूबसूरत है, गांव में तो कोई कमी नहीं, लेकिन क्या करे इंसान की सोच में कमी हो गई है। लोगों ने पलायन तो कर लिया, लेकिन फिर वापस नहीं आ रहे दोबारा। बड़ा बुरा लगता है ऐसे में। ठीक अंकल जी, अब आ गए। ठीक है, तो देखो भाई ये मकान कभी पहाड़ों के शान हुआ करते थे, तिवारी इन पे तो बहुत सारे पुराने पुराने गाने भी गा रखे हैं, लेकिन ये सब इतिहास बनता जा रहा है धीरे धीरे। और इस गांव में अक्सर जो मकान बने हैं सब पठाली और मिट्टी से बने हुए हैं। पहले के लोग इन्हीं मकानों को अपनी शोभा समझते थे। तो अपने धनो तो अभी भी यहाँ पे रहेगी, और बाकी हम जा रहे हैं अभी अंकित भाई की बाइक पे। रंग बिरंगे फूल खिले लोग भी फूलों जैसे, तो चलिए जी फाइनली हम किरकू मार्केट में पहुंच गए हैं, और बाकी सोनी को भी यहां पे हमने छोड़ दिया है। तो चलिए जी सोनी को हमने छोड़ दिया, बाकी निकलते हैं यहां से अब।
और बाकी ठीक सामने की बात किया तो मस्त गर्मा गर्म चाय भी बन गई है और उसके साथ बिस्किट भी, और बिस्किट पे जो सबसे ज्यादा नजर है वो केसी के। केसी कसम से कितना खाएगी तू, तुम तो रिकॉर्ड तोड़ दे कुंभकर्ण का, बस कर पगली। अब लगाओ इससे बड़ी तो हमारे गाँव में बिल्ली होती है, पर भाई साहब पेट के मामले में तो सबको पीछे छोड़ रही है, मानना पड़ेगा यार। तो चलिए जी गर्मा गर्म चाय पी ली और अभी हमारी तैयारी है पिनानी धार से आगे जाने की, यानी कि ठीक यहाँ से सामने भी देखिए जहाँ आपको ये मोबाइल का टावर दिखाई दे रहा है हमें उससे भी आगे जाना है। यहाँ से जो वहाँ की दूरी है लगभग 15 से 16 किलोमीटर के बीच में है। और बाकी आंटी जी ने गर्मा गर्म चाय पिला दी और मस्त करके मेरी माँ की तरह ब्लॉग देख रही है यहाँ पे। मेरी माँ भी जब घास लेके आती तो जरूर बोलती दिन में एक बार ब्लॉग चला अपना, तभी माँ को आराम मिलता भाई। और ठीक नीचे की बात किया तो अंकल जी मस्त करके कुर्सी पे बैठ रहे हैं और हंसमुख बंदे हैं भाई, मानना पड़ेगा। सही अंकल जी, तो ये देखो भाई इस गाँव में गिने चुने कुछ मात्र शक्ति लोग हैं जिनको के थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो रास्ते से हटके अंकित भाई मुझे अपने गांव वाले रास्ते से ले जा रहे हैं। गांव तो काफी खूबसूरत है लेकिन गिने चुने दो चार लोग हैं भैया बस, यानी कि गांव की रौनक धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब बताओ बचपन में लोग यहां खेलते होंगे, ऐसी रेस मारते होंगे, यहां से छुपन छुपाई बहुत सारे गेम खेले होंगे, क्योंकि पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था तो गांव में ही खेल खेलते थे, लेकिन आज ये खेत खलियान सब सूने हो गए। बाकी भाई साहब यहां मैंने एक चीज देखी है, जितने भी लगभग मकान है मिट्टी और पठाली से बने हुए हैं, और ये सामने मकान देखो कितना खूबसूरत है भाई, कितने सारे इसमें बिम पड़े हुए हैं, इसको तिवारी बोलते हैं। लेकिन इस तिवारी की रौनक तो भाई इंसान से इंसान ही नहीं है कोई यहाँ। पहले जो पुराने बुजुर्ग होते थे ना इन तिवारियों में बैठ के मस्त करके हुक्का पीते थे, लेकिन अब कोई है ही नहीं यहाँ। ठीक यहाँ पे देखो भाई एक उलखियारी है यानी कि ओखली जिसको बोलते हैं, इसमें भी पानी इकट्ठा होकर इधर उधर घास इकट्ठी हो रखी है क्योंकि उसमें कोई धान की कुटाई करने वाला है ही नहीं। कितने खूबसूरत मकान है यार, अभी भी जो चौक है वो देखो पत्थरों से बना हुआ है। और बाकी ठीक इस धार के पहले साइड देखो ये यहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज है। तो अंकित भाई की भी दो तीन दोस्ती हैं इस गांव में गिने चुने, तो उनको आवाज दे रही कि आ जाओ यार घूमने चलते हैं साथ में। नहीं यार कोई दोस्त यार, बड़ा बुरा लगता है ऐसे में। बाकी ठीक सामने पे देखिए ये है तिमल खाल गाँव जो कि काफी खूबसूरत गाँव है, तो आज अच्छे से थोड़ा घूम लेते हैं गाँव में, क्योंकि कल सुबह मैं और अंकित भाई निकल लेंगे हमारे गाँव की साइड घूमते हैं, फिर आएंगे अंकित भाई की शादी में। ये तो छोटा कुत्ता यार, चलो भाई कुत्तों को फेस करने की आदत मुझे बहुत पहले से है। बस पागल बस हो गया, ज्यादा नहीं भोंकते हैं, ज्यादा नहीं भोंकते हैं। वैसे देखा जाए तो भाई साहब कुत्ते तो फिर हम भी बस कंडीशन के हिसाब से बोलो सुबह का चाय। अब देखिए इस बेचारे की भी गलती नहीं, ये भी अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन ये गलत इंसान को काटने के लिए आ रहा है। अबे पहचान ले ढंग से, अगली बार फिर मिलूंगा इसी गांव में। देखिए जी अगर आपको किसी गांव में भी जाना है और कोई कुत्ता काटने पड़ रहा है तो उसका नाम पता कर लो कहीं से, क्योंकि नाम एक बार बोलोगे ना कसम से वो पहचान जाता है। थोड़ी देर पहले भोंक रहा था टॉमी, ऐ देखो पहचान गया वो। टॉमी भाई क्या हाल है? सही, अब ये ढंग से सूंघेगा अब मैं अगली बार चाहे 10 साल बाद आऊंगा ये मेरे को पहचान लेगा, ये रहे ना रहे बेचारा भले उसके बाद। अच्छा तो ये अंकित भाई के परम मित्र हैं। ये भी जैसा लग रहा है ना? हाँ भाई थोड़ा बहुत तो कॉपी है भाई। तो भाई सो रखा था अभी, नींद डिस्टर्ब तो नहीं की? अच्छा कौन सी क्लास में अभी? हाँ तब पढ़ाई कर रहा होगा रजाई में। हाँ कर रहा भाई। चलो ठीक है ना, मजाक करूँ मैं, ठीक है। बोलू भाई साहब बोलू है बोलू। तो मेरा जो घर का नाम है गोलू और मेरा दूसरा भाई मिल गया बोलू। सही है सही है। तो चलिए जी पिनानी की दूरी अभी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है, और बाकी यहाँ पर देखो यहाँ पर अभी सड़क का काम चल रहा है तो इस वजह से हम यहाँ पे अभी रुके हैं, क्योंकि सड़क बहुत पतली है तो भाई इधर उधर होने के लिए जगह ही नहीं है। और बाकी ठीक सामने जो आपको गांव दिखाई दे रहा है इस गांव का नाम है जबरोली, तो इस गांव में भाई ज्यादा प्लान नहीं हो रखा क्योंकि मकान की रौनक अपने आप दिखाई दे रही है। और बाकी हमें अभी ठीक उस वाली धार पे जो गांव है वो है पिनानी, तो भाई साहब हमें इस वाले गांव में जाना है, इस गांव का नाम है पिनानी, वहां जाने के लिए कच्ची रोड पार करनी पड़ेगी। तो ठीक हम अभी जबरोली गांव से थोड़ा आगे पे आए हैं, तो यहाँ पर देखो इतना खूबसूरत मंदिर है, तो इस मंदिर को बोलते हैं जबरोली महादेव, तो इसको केदार ज्योतिर्लिंग नाम से पुकारा जाता है। और बाकी ठीक आपको जो सामने पे गांव दिखाई दे रहा है ये है पिनानी गांव, जो कि काफी खूबसूरत और काफी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ गांव है। तो चलिए जी फाइनली हम जिस जगह पे हैं इसको बोलते हैं दमदेवल, और बाकी ठीक सामने पे देखिए महाकाली का मंदिर है। और देखो भाई यहाँ अभी अंधेरा नहीं हुआ जबकि मैं आपको टाइम बताता हूँ अभी, तो देखो अभी समय 7:15 बज रही है, तो यहाँ हम स्पेशली
चेस्टनट लेने आए थे, यानी कि हमारी लोकल भाषा में हम उसको पांगर बोलते हैं। सोचा उसको भी लेके जाते हैं क्योंकि कल तो गांव जा ही रहा हूँ। हालांकि अभी हम टॉप पीक पे हैं इसलिए अंधेरा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वहाँ तो अंधेरा हो गया होगा। बाकी भाई साहब निन्यारों की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ से, है 10 मिनट बाद अंधेरा होने वाला और हम लगे हैं चेस्टनट लेने। मैं और मेरे पापा रात को यहाँ से घर, मतलब ना एक बहुत घने जंगल है, रात को 1:30 बजे गए हैं। बताओ यार, और मेरे पापा मतलब तुम्हें देखे तो बाघ खुद डर गया होगा। मैं जल्दी आओ यार, चेस्टनट तो सारा बार बार मिलेगा, बस तुम नहीं मिलोगे, बार बार आ जाओ। देखिए जी, ये होता है चेस्टनट, जैसे वो नहीं होता कोरोना, सेम कोरोना वाला है भाई ये, पर ये कांटे बड़े खतरनाक होते भाई, चुपते हैं भाई सीधे। और कुछ चेस्टनट वहाँ पर अंकित भाई इकट्ठे कर रहे, कुछ यहाँ पे भोला कर रहा है इकट्ठे, हमला बोले लगा रहे इनको इकट्ठे करने पे। लगाओ घर से हम 18-20 किलोमीटर दूर आ रहे हो, इतने खतरनाक जंगल में ना, यहाँ से घर जाते हुए इतनी खतरनाक सड़क है ना, मतलब वहाँ भी जोखिम भरा काम है जाना, पर जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो कहाँ रहे हम। तो चलो भाई, ये है वो कोरोना वाला चेस्टनट, हाथ में मट्टे ना भाई। ओ भाई, तो चलो भाई, समय 7:30 बज गई है। ओ भाई साहब, अंकित भाई ने तो बहुत सारे चेस्टनट इकट्ठे करके ला दिए भाई, मान गया भाई, तो मैं मान गया। तो चलो भाई जल्दी जल्दी इनको तोड़ते हैं, एक्चुअली इनके कांटे निकालने पड़ेंगे, नहीं तो हम इनको घर नहीं ले जा पाएंगे। तो चलो भाई, समय लगभग 7:30 बज गई है और बाकी घर निकलते हैं भाई।